गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिजिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर के अंदर हम रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का एक और तरीका देखेंगे और वो एक और तरीका है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, हमने पिछली वीडियोस के अंदर रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में सब कुछ देखा कि वो कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनाया जाता है, उस कॉम्बिनेशन में करंट कैसे बदलता है, वोल्टेज कैसे बदलती है, रेजिस्टेंस कैसे बदलती है, वो कहाँ कहाँ यूज में आता है और कहाँ कहाँ उसके नुकसान है और कहाँ कहाँ उसके फायदे हैं, हमने वो सब कुछ देखा। अभी हम वही सारी चीजें रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में देखेंगे कि ये कॉम्बिनेशन हमारे किस काम में आता है, इसके क्या नुकसान हैं, इसके क्या फायदे हैं, इसके अंदर रेजिस्टेंस कैसे बदलती है, इसके अंदर वोल्टेज कैसे बदलती है, इसके अंदर करंट कैसे चेंज होता है। ठीक है, वो सब हम देखेंगे। ये सब कुछ देखने से पहले हम पहले रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन को ड्रॉ करना सीखते हैं। इसको ड्रॉ करना बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, एक बैटरी बनानी है। बैटरी के साथ अगर आप चाहो तो प्लग की भी लगा सकते हो, पर अभी तो यहाँ पे हमें सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन ही करनी है, हम ये इस तरीके से बना देंगे। ठीक है, अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन की खासियत क्या होती है कि यहाँ पे हर एक रेजिस्टेंस, मान लो आपने जितने भी रेजिस्टेंस जोड़े हो, 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी आपने रेजिस्टेंस जोड़े हो, वो सब बैटरी के साथ अलग अलग जुड़े होते हैं। हर किसी का कॉम्बिनेशन बैटरी के साथ अलग होता है। ठीक है, जैसे ये पहला रेजिस्टेंस है, अगर मैंने कनेक्ट किया, ठीक है, इसका बैटरी के साथ अपना एक अलग कनेक्शन है, ये अपना अलग से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है और अपना अलग से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है। उसी तरीके से मान लो ये अगला रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया, अभी आप ये भी देख रहे हो इसका भी अपना एक अलग कनेक्शन है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा। उसी तरीके से ये रेजिस्टेंस अपना अलग से कनेक्टेड होगा, वैसे ही मैं अगला रेजिस्टेंस एक और कनेक्ट कर देती हूँ, मान लो ये भी अलग से कनेक्टेड है। अभी आपको देखने में क्या पता चल रहा है, पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, हर एक कॉम्बिनेशन क्या है, हर एक रेजिस्टेंस क्या है, अपना अलग से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, हर किसी का अपना बैटरी के साथ कनेक्शन है, कोई बैटरी के कनेक्शन के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन की तुम खासियत देखो कि इसमें रेजिस्टेंस किस तरीके से बदलती है, उसको देखने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसके अंदर वोल्टेज कैसी रहती है। अब ये वोल्टेज डिटरमाइन करने के लिए मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका क्या बताया था कि जब भी हमें वोल्टेज को मेजर करना होता है, हम उसको कैसे मेजर करते हैं, किसी भी दो एंड्स के ऊपर मेजर करते हैं। ठीक है, कोई भी दो एंड हम लेते हैं सर्किट के, उसके ऊपर क्या अपना वोल्ट मीटर ऐसे जोड़ देते हैं और हम देख लेते हैं कि उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा था। अभी आप ये देखो, अब मैं आपको अलग अलग मार्कर से ड्रॉ करके दिखाती हूँ पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, सबसे पहले आप मान लो आपने इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस लगाना, तो आप क्या करोगे, इस एंड के ऊपर लगा दोगे, ये आपका वोल्ट मीटर लग गया। अब ये देखो, इसको यहां जोड़ो या यहां जोड़ो, सेम ही बात बन रही है ना, बीच में ये तार का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तार की लंबाई तो हमने अपने खुद के हिसाब से देख ली, तो इसको मैं ये कर दूं, इसको हमने कहां जोड़ा, यहां जोड़ दिया। ठीक है, अब ये किसका पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है, ये वाली रेजिस्टेंस का। अभी मान लो तुमने ये जो दूसरी वाली रेजिस्टेंस है, इसका अगर तुम्हें पोटेंशियल देखना है तो तुम कैसे जोड़ोगे, यूं जोड़ दोगे। ठीक है, मान लो जो तीसरी रेजिस्टेंस है उसका तुमने पोटेंशियल डिफरेंस देखना है तो तुम क्या करोगे, तो तुम ऐसे जोड़ दोगे। ठीक है, चौथी का अगर तुमने देखना है तो तुम क्या करोगे, इस तरीके से उसके ऊपर पोटेंशियल फिर अटैच कर दोगे। तो यहां पे तुम्हें क्या पता लग रहा है, देखो बच्चे, अभी आपको आपको समझ आया थोड़ा बहुत हमने क्या किया है, हमने क्या है, हर एक के पोटेंशियल डिफरेंस मापने की कोशिश की है, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे रेजिस्टेंस पे, और पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए हमने क्या कर दिया, उनके ऊपर वोल्ट मीटर लगा दिए। पर अभी आपको देखने में क्या पता लग रहा है कि असल में तो वोल्ट मीटर जितने भी हैं, चारों के वोल्ट मीटर क्या है, सेम पॉइंट पे कनेक्टेड है ना, इसका वोल्ट मीटर भी यही कनेक्टेड है, दूसरी वाली का वोल्ट मीटर भी यही कनेक्टेड है, तीसरी वाली का वोल्ट मीटर भी यही कनेक्टेड है, और चौथे वाले का वोल्ट मीटर भी वही के वही कनेक्टेड है। जब पॉइंट सेम है, अब जब सर्किट में वोल्ट मीटर तो तुम कैसे लगाओगे, दो पॉइंट पे लगा दोगे। अब ये पॉइंट अगर सेम है तो वोल्टेज तो सेम ही देगा ना वो, ये तो नहीं देखेगा कि ये अगर तुम अब तुम्हारा मन किया है पहले का मापने का तो वो पहले की बताएगा, अब तुम्हारा मन किया दूसरे वाले की मापने का तो तुम वो दूसरे वाले की बताएगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। तुम्हें यहाँ पे पहले वाले की बोला गया तो तुमने पहले वाले की मापी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे पॉइंट अगर सेम है तो सब पे वोल्टेज भी क्या होगी, सेम ही होगी ना,
इसका मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन की सबसे पहली खासियत क्या है कि तुम जितने भी रेजिस्टेंसेस लगा लो सबकी वोल्टेज क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, सबकी वोल्टेज V1 की V2 की इक्वल होगी, वो V3 की इक्वल होगी, वो V4 की इक्वल होगी, वो V5, V6 जितने भी तुम रेजिस्टेंसेस लगाओ सबके ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अब एक और इंटरेस्टिंग सी चीज तुम ये भी देख सकते हो, अगर मान लो तुमने इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस देखना तो तुम वो पोटेंशियल क्या वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करोगे, इस तरीके से कनेक्ट कर दोगे ना बच्चे। अब ये देखो, ये तुम तारे यहां लगाओ या यहां लगा दो, बात तो सेम ही है ना, ये तार के ऊपर तो कोई पोटेंशियल नहीं है ना, अगर कोई कंपोनेंट लगा ही नहीं हुआ तो वो पोटेंशियल पे कोई फर्क डालेगी भी नहीं, तो तार के ऊपर तो पोटेंशियल का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको चाहे तुम यहां जोड़ो चाहे यहां की बजाय टोटल यहीं पे जोड़ लो, ठीक है, ये जो सिंगल वायर होती है जो कनेक्टिंग वायर होती है उसके ऊपर तो कोई पोटेंशियल नहीं फॉल करता ना, पोटेंशियल तो अगर कोई कंपोनेंट होगा उसी के ऊपर पोटेंशियल फॉल करेगा, तो यानी यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं आएगा इस बैटरी के, मतलब इस बैटरी का अगर तुम्हें पोटेंशियल मापना है तो तुम चाहे तारों को यहाँ कनेक्ट कर दो चाहे यहाँ कनेक्ट कर दो, बात तो सेम है, तुम्हारी रीडिंग क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, रीडिंग के अंदर कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो अभी तुम्हें यहाँ पे क्या पता लगा कि जब भी तुम रेजिस्टेंसेस को कैसे कनेक्ट करते हो बच्चे, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जब कनेक्ट करते हो तो सबके ऊपर वोल्टेज क्या जाती है, बराबर जाती है, और वो वोल्टेज कितनी होती है, वो तुम्हारी एक्चुअल में सेल या बैटरी की वोल्टेज होती है जो तुमने अप्लाई की हो। यानी अगर मान लो तुमने यहाँ वी वोल्ट की बैटरी अप्लाई की है तो ये V1, V2, V3, V4 किसके बराबर होंगे, V के बराबर होंगे। ठीक है, मान लो यहाँ तुमने 6 वोल्ट की अगर बैटरी अप्लाई की है तो इसको भी 6 वोल्ट मिलेंगे, इसको भी 6 वोल्ट मिलेंगे, इसको भी 6 वोल्ट, इसको भी 6 वोल्ट, यानी सबके ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, सेम होगा, सबके ऊपर सेम पोटेंशियल फॉल करेगा, पोटेंशियल के ऊपर कोई भी फर्क नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको रेजिस्टेंस इन पैरेलल का सबसे पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि इसमें जो वोल्टेज होती है पोटेंशियल डिफरेंस होता है हर एक रेजिस्टेंस पे क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अभी मैं इसको इरेज कर रही हूँ एक बार थोड़ा फ्रेश डायग्राम बनाने के लिए, अगला पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना मैंने। अभी आप ये देख रहे हो क्या, अभी हम एक बार उसी सर्किट को हम दोबारा बना देते हैं। ठीक है, मान लो सर्किट को मैंने ऐसे बनाया, इस बार मैं थोड़ा कन्वीनियंस के लिए 3 रेजिस्टेंस ही ले लेती हूँ। ठीक है, आप कितनी मर्जी ले सकते हो, ये मत मानो कि वो चीज 4 के लिए नहीं होगी, कितनी मर्जी के लिए लगाओ वो चीज सेम ही होगी। ठीक है, अब देखो, अब इसके अंदर हमें ये तो पता लग गया इसको भी V वोल्ट मिल रही है, इसको भी V वोल्ट, इसको भी V वोल्ट। अब हमने ये मान लो तुम्हारे पास कोई टोटल रेजिस्टेंस है तो ये सर्किट क्या है, कुछ करंट छोड़ेगा, आई है ना, इस बैटरी से कोई करंट निकलेगा। तो अब तुम क्या देख रहे हो, ये करंट जब यहां से ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, यहां पे आके इसके पास कितने रस्ते हो गए, 3 रस्ते, समझ रहे हो, यहां पे कितने रस्ते हो गए, 3 रस्ते हो गए ना, ये एक पाथ हो गया, ये इसका दूसरा पाथ, ये तीसरा पाथ। अब नेचुरली तुम्हें पता लग रहा है ना, अब करंट तो एक ही है इसमें, फिर तुम अपना जो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो एग्जांपल देखा था वही एग्जांपल तुम यहाँ पे देख के देखो, तुम्हारे पास कितने हैं, 10 एप्पल है और तुम्हें कितने लोगों को बांटने हैं, 3 लोगों को बांटने हैं। ठीक है, एप्पल तो 10 ही है, अब 3 लोगों को तुमने बांटने, जैसे मर्जी माप लो बांट लो, चाहे मान लो एक को 5 दे दो, एक को 2 दे दो, एक को 3 दे दो, जिसकी जितनी भूख है उसको उस हिसाब से दे दो एप्पल। ठीक है, अभी तुम्हें क्या पता लग रहा है एक करंट कितना है, मान लो 10 यूनिट करंट जा रहा है। ठीक है, अब जिसकी जितनी भूख होगी है ना, या जितना कोई अलाउ करेगा, जैसे रेजिस्टेंस भी तो अलग अलग होंगी ना बच्चे, अब जैसे इसकी मान लो रेजिस्टेंस ज्यादा हुई, किसकी कम हुई, है ना, रेजिस्टेंस ज्यादा कम का मतलब क्या है, कोई करंट को ज्यादा रुकावट देगा, कोई कम रुकावट देगा। ठीक है, तो जो ज्यादा रुकावट देगा नेचुरली उसको हम करंट क्या सप्लाई करेंगे, कम, जो कम रुकावट देगा उसके पास अपने अभी करंट ज्यादा चला जाएगा। तो अब टोटल करंट कितना रहता है आपके पास, 10। अब वो करंट क्या है, इन सब में अपने अपने हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, किसके हिसाब से, इनकी रेजिस्टेंस के हिसाब से, जिसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम, कम रुकावट होगी, वो करंट को ज्यादा अपने अंदर से पास करने देगा। ठीक है, करंट उसके अंदर से ज्यादा ज्यादा अमाउंट में पास करता चला जाएगा, जिसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा, अब वो रुकावटें ज्यादा देगा तो उसके अंदर करंट क्या है, कम पास करेगा। ठीक है, अच्छे से करंट उससे पास नहीं कर पाएगा तो उसको करंट क्या मिलेगा, कम मिल जाएगा। तो अभी तुम्हें दूसरा पॉइंट क्या पता लग रहा है कि अगर मान लो टोटल करंट तुम्हारा आई है तो इन सब में क्या है, सेम करंट नहीं जाता, इसमें कुछ ज्यादा था, मान लो पहले वाले में I1 करंट चला गया, दूसरे वाले में I2 करंट चला गया और तीसरे वाले में I3 करंट चला गया,
यानी तुम्हारा जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो करंट होता है तुम्हारा वो डिफरेंट होता है। देखो ये जो तुम्हारा सॉरी पैरेलल में, ठीक है, तो अब देखो ये चीज बिल्कुल और बिल्कुल सीरीज के ऑपोजिट जा रही है। सीरीज में क्या होता था, सीरीज में करंट सेम होता था, वोल्टेज डिफरेंस होती थी, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करंट डिफरेंट है और वोल्टेज क्या है, सेम है, एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट्स हैं। तुम्हें ध्यान से याद रखना है, पेपर में गलती नहीं करनी कि कहीं तुम रेजिस्टेंस को मतलब सॉरी वोल्टेज को उसमें सीरीज में तुम सेम करो और करंट को उसमें डिफरेंट कर दो, नहीं। तुम्हें ये पॉइंट को ध्यान से याद रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहती है और करंट चेंज चला जाता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। ये सिंपल सा पॉइंट है, तुम्हें पता होना चाहिए। अभी इसमें इसके पॉइंट्स को हम एक बार रिवीजन के तौर पे लिख के रख लेते हैं, तुम भी अपनी कॉपीज पे नोट कर लेना। पहला पॉइंट तुम्हारा क्या है कि इसमें वोल्टेज क्या होगी बच्चे, सेम होगी, और दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें करंट जो होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है, करंट डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में पास करेगा। अभी तुम एक अगली चीज और देखो, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया कि करंट डिफरेंट है, पर एक मैंने तुम्हें सेब का एग्जांपल बताया ना, सेब के एग्जांपल में तुम्हें क्या पता है कि अब सेब तो तुम्हारे पास टोटल कितने हैं, तुम्हारे पास 10 सेब ही है, है ना, उसी हिसाब से करंट भी तुम्हारे पास कितने, मान लो 10 एम्पियर ही है। तो अगर तुम मान लो रेजिस्टेंसेस के अंदर सेब को बांट रहे हो करंट को, ठीक है, अगर तुम, ठीक है, तो अभी करंट मान लो तुम्हारा क्या, तुमने टोटल करंट क्या सप्लाई किया, मान लो आई करंट तुमने सप्लाई किया, ठीक है, तो अब करंट तो सेम बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, यानी आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री सारा किसके बराबर हो जाएगा, तुम्हारे टोटल करंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जितना भी तुम करंट एक एक रेजिस्टेंस में जा रहा है उस सबका तुम क्या कर दो, सम कर दो, वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, तुम्हारा टोटल करंट आ जाएगा, ठीक है। जैसे सीरीज के अंदर क्या था, जितनी भी वोल्टेज आ रही है, मान लो V1 जा रही है, V2 जा रही है, V3, उन सबका सम कर दो, वो क्या बन जाएगा, टोटल सेल की वोल्टेज। वैसे ही यहाँ पे जितना भी करंट जा रहा है सबका क्या कर दो, सम, वो क्या बन जाएगा, तुम्हारा टोटल करंट, ठीक है। अब ये देखो जैसे ओम्स लॉ हमने सीरीज के अंदर लगाया था, वैसे ही ओम्स लॉ यहाँ पे भी लग सकता है। अब जैसे ये करंट किस में जा रहा है, R1 में जा रहा है, ये करंट किस में जा रहा है, R2 में जा रहा है, ये करंट किस में जा रहा है, R3 में जा रहा है, अलग अलग रेजिस्टेंसेस में जा रहा है, ठीक है, और ये किस में जा रहा है, अगर मान लो कोई टोटल रेजिस्टेंस हुई तो ये करंट उसमें से जा रहा है, ठीक है। अभी तुम्हें ओम्स लॉ से बच्चे एक चीज पता है, ओम्स लॉ से तुम्हें क्या पता है कि V किसके बराबर है, वो बराबर है आई आर के, जिससे तुम क्या बता सकते हो कि तुम्हारा आई किसके बराबर है, तुम्हारा आई बराबर है V अपॉन आर के, सिंपल सी चीज है। तो मैं यहाँ पे इस चीज को पुट करने की कोशिश करती हूँ। अब जब मैं यहाँ पे टोटल करंट ले रही हूँ तो तुम्हें क्या लूंगी, टोटली वोल्टेज लूंगी और क्या लूंगी, टोटल ही रेजिस्टेंस लूंगी। अब जब मान लो मैंने I1 करना है, I1 क्या होगा, पहली रेजिस्टेंस, ठीक है, उसमें क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा V और रेजिस्टेंस क्या होगा R1, ठीक है। जब I2 देखना है तो वोल्टेज तो इसको भी सेम जा रही है, कितनी जा रही है V, रेजिस्टेंस कितनी होगी R2। अब फिर करंट मान लो I3 में तो वोल्टेज कितनी है V, करंट कितना जा रहा है R3। बंदे इक्वेशन सिंपल ओम्स लॉ लगाया था मैंने, ये वाला I इज इक्वल टू V बाय R, कुछ भी नया नहीं किया मैंने। अब तुम्हें ये दिख रहा है, ये वोल्टेज, ये वोल्टेज, ये वोल्टेज, ये वोल्टेज इक्वल के दोनों साइड V V V V सेम आ रहा है, तो ये कैंसिल हो सकता है ना। अब देखो कैंसिल करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, अब इस मान लो इसको कैंसिल कर दी, यहाँ क्या आ जाएगा 1, वैसे मैं यहाँ पे भी कैंसिल कर रही हूँ, कितना आ गया 1 1 1, समझ में आ गई। रेजिस्टेंसेस यानी जो तुम्हारा टोटल रेजिस्टेंस है उसको निकालने का तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा मेथड बन गया, वो क्या कि 1/RT, 1/ टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, 1/R1 पहली रेजिस्टेंस का इनवर्स प्लस दूसरी रेजिस्टेंस का इनवर्स प्लस तीसरी रेजिस्टेंस का इनवर्स। ये क्या है तुम्हारा सिंपल सीधा तरीका कि अगर तुम्हारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया हो तो तुम्हें टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालनी है उसका सीधा तरीका, ठीक है। यही सब कुछ होता है जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, एक छोटा सा रिवीजन, वोल्टेज रह रही है सेम, करंट हो रहा है डिफरेंट और टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये गिवन है, ठीक है। ये सिंपल सी चीज है, अब हम इसके रिलेटेड एक आध सम भी करके देखेंगे, ठीक है। मैं आपको सम करके बताऊंगी कि ये सारी चीजें अप्लाई कैसे हो रही है, इन सब चीजों को तुम कैसे यूज में ले सकते हो और पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज क्या होता है, ठीक है, हम सब कुछ करेंगे। चलो स्टूडेंट्स, अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिलेटेड अपना एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है।
वो न्यूमेरिकल कैसा है। अब मैं उस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट लिख रही हूँ, मान लो मैं आपको सर्किट डायग्राम में बना के दे रही हूँ, ठीक है। अभी आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि सर्किट डायग्राम कैसे बनाने हैं। तो मान लो वो सर्किट कुछ कैसा है कि इस तरीके से मैंने क्या लगाई है, 12 वोल्ट की एक बैटरी लगाई है। कितने वोल्ट की लगाई है? 12 वोल्ट की। और उसके साथ मैंने 3 रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट किया है, कैसे? पैरेलल, ठीक है। जैसे ये पहला रेजिस्टेंस तुम्हारा, ये दूसरा और ये तुम्हारा तीसरा रेजिस्टेंस, ठीक है। इस तरीके से मैंने तुम्हारा डायग्राम बनाया। जो तुम्हारा पहला रेजिस्टेंस है मान लो R1, वो कितने ओम का है? 5 ओम का। दूसरा रेजिस्टेंस R2 है 10 ओम्स का, और तीसरा रेजिस्टेंस R3 है बच्चे 30 ओम्स का, ठीक है। अब मुझे इस सर्किट कॉम्बिनेशन के लिए टोटल करंट कैलकुलेट करना है, और मुझे ये देखना है कि अब जैसे ये तो आपको पता लग गया ना, वोल्टेज तो इसमें बराबर ही जाएगी। इसमें V1 वो भी 12 वोल्ट होगी, V2 वो भी 12 वोल्ट, V3 वो भी 12 वोल्ट, ठीक है। तो कैलकुलेट क्या करना है, एक तो टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट, और देखना है कि इन विन में कितना कितना करंट डिवाइड हो, ठीक है। ये मेरा बेसिक एम है। सबसे पहले ऐसे सम के लिए तुम क्या करोगे, टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे। टोटल रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है बच्चे पैरेलल के लिए? 1/R क्या होता है? 1/5 पहले का इनवर्स प्लस दूसरे का इनवर्स प्लस तीसरे का इनवर्स। ये होता है आपका सिंपल सा फॉर्मूला टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। अब 1/R को मैं वैसे के वैसे लिख देती हूँ। इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम होगा 30, ठीक है। तो 5 6 30 न्यूमिनेटर में क्या आएगा फैक्टर? 6 का। 10 3 30 न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा? 3। अब ये तो 30 30 पे 1 पे जा रहा है, तो कितना आ जाएगा ऊपर? 1। इसका टोटल करो, 6 3 9 1 10, 10 / 30, तो तुम्हारी ये की वैल्यू क्या है? 1/3। तो तुम्हारा टोटल रेजिस्टेंस, अब ये देखो ये 1/R है, ये 1/3 है, उल्टा कर दो, R कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 3 ओम, ठीक है। तुम्हारे पास R कितना आ गया? 3 ओम्स, यानी तुम्हारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई? 3 ओम्स की। ओके, समझ में आ गया आपको? इस तरीके से बहुत इजी सा मेथड होता है, इसी तरीके से तुम्हें कैलकुलेट करना है। ये याद रखना, ये लास्ट में इसको उल्टा करना है, ये 1/R निकलता होता है, आर नहीं, ठीक है। अब हमने क्या करते हैं, हम ये टोटल रेजिस्टेंस हम यहाँ नोट करके रख लेते हैं, हम आगे का क्वेश्चन पूरा करेंगे इसी सरफेस पे, ठीक है। आर टी टोटल रेजिस्टेंस कितना बन गया हमारा? 3 ओम का बन गया, तो ये भी हम रख कर लेते हैं। अब हम निकालते हैं टोटल करंट। तो करंट निकालने के लिए क्या करेंगे? VIR, टोटल वोल्टेज कितनी बच्चे लग रही है? 12 वोल्ट। ये क्या होगा? टोटल करंट। तो साथ में रेजिस्टेंस कौन सी लगेगी? वो भी टोटल लगेगी, 3, ठीक है। अब 3 को नीचे जाके डिवाइड कर दो, आई टी कितना आ गया? 12 / 3 कितना हो गया? 4। तो टोटल करंट कितना आ गया? 4 एम्पियर। यानी इस सर्किट में से टोटल करंट कितना जा रहा होगा यहां से? 4 एम्पियर। अब ये 4 एम्पियर करंट ही होगा जो थोड़ा इसको, थोड़ा इसको, थोड़ा इसको, ऐसे 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अब हम अगला पार्ट क्या करते हैं, मैं टोटल करंट भी लिख के रख लेती हूँ, कितना आ रहा है मेरा? 4 एम्पियर। अब हम ये देखते हैं पहले रेजिस्टेंस में, दूसरे में और तीसरे में कितना कितना करंट गया। उसके लिए भी हम सिंपल ओम्स लॉ का इस्तेमाल ही करेंगे। पहले लगाओ V1 IR1, ठीक है। V1 = I1 R1। V1 कितना है? 12 वोल्ट। I1 पहला करंट कितना, करंट कितना जा रहा है तो हमें निकालना ही है। और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितनी है इसकी? 5 ओम, ठीक है। तो I1 कितना आ गया? 12 / 5 एम्पियर्स, ओके। अब ऐसे दूसरा केस, V2 किसके बराबर होगा? I2 R2। V2 कितना है? 12 वोल्ट। I2 तुम्हें निकालना है, और दूसरी रेजिस्टेंस कितनी है? 10 ओम की। तो तुम्हारा I2 किसके बराबर आ गया? 12 / 10 एम्पियर्स। ये हो गया तुम्हारा दूसरे रेजिस्टेंस में पास होने वाला करंट, ठीक है। अब तुम्हें तीसरे में निकालना है। तीसरे में कैसे निकालोगे? V3 = I3 R3। V3 हुआ 12, I3 तुम्हें निकालना है, और रेजिस्टेंस 3 क्या है? 30 ओम्स, ठीक है। तो I3 कितना आ जाएगा तुम्हारा? 12 / 30 एम्पियर। ये हो गया तुम्हारे पहले रेजिस्टेंस का करंट, ये दूसरे का करंट, और ये तीसरे का। बच्चों ये तुम्हारे लिए, मैं घर के लिए तुम्हारे लिए काम छोड़ देती हूँ, तुम ये देखना कि क्या टोटल करंट I1 + I2 + I3 के बराबर बन रहा है। जब तुम देखोगे तुम्हें सच में पता लगेगा कि जो टोटल करंट है वो इन तीनों में से पास करने वाले करंट के क्या आता है? बराबर ही आता है, ठीक है।
तो ये तुम्हारा सीधा सा तरीका है, कोई भी पैरलर से रिलेटेड कोई भी तुम्हारे पास न्यूमेरिकल आता है उसको तुमने ये मेथड लगाना है और सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये तुम्हारा सीधा सा तरीका है पैरलर कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, अगली वीडियो में हम पैरलर कॉम्बिनेशन के फायदे नुकसान और एक और तरीके के कॉम्बिनेशन के बारे में देखेंगे, ठीक है। टिल देन अपना पढ़ो।